इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदते वक्त आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आएगा कि क्या 60 से 70 हज़ार रुपये या उससे ज़्यादा रुपए खर्च करके एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने के बजाय 25 से 30 हज़ार रुपये में एक इलेक्ट्रिक साइकिल लेना फ़ायदे का सौदा है या नहीं है। किन लोगों के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल लेना सही है और किन लोगों के लिए नहीं। वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करती है ये साइकिल्स या फिर नहीं। क्या है सिंगल चार्जिंग टाइम, कितने किलोमीटर चल जाएगी एक चार्ज पर, क्या है ब्रांड की वारंटी, सब कुछ बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। साथ ही बताने वाला हूँ बेस्ट साइकिल जो अपने प्राइस पॉइंट पर टॉप रैंक पर है। तो चलो गाइस बढ़ते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो दोस्तों अगर आपको 8-10 किलोमीटर या उससे कम किलोमीटर का डिस्टेंस डेली में अप डाउन करना पड़ता है तो आपके लिए इलेक्ट्रिक साइकिल एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इस डिस्टेंस को इलेक्ट्रिक साइकिल 15 से 20 मिनट में इजीली कवर कर सकती है। अगर कोई स्टूडेंट है जिसका स्कूल 10-12 किलोमीटर दूर है तो इलेक्ट्रिक स्कूटर के बजाय इलेक्ट्रिक साइकिल एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर गाइज आपके घर में पहले से कोई मोटरसाइकिल या फिर पेट्रोल स्कूटर है और आप एक बजट फ्रेंडली अप डाउन करने के लिए सोच रहे हो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का, तो इलेक्ट्रिक साइकिल के बारे में भी आप एक बार जरूर सोचिएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की कॉस्ट आपको मिनिमम 60 से 70 हज़ार रुपये पड़ेगी, जबकि इलेक्ट्रिक साइकिल आपको 25 हज़ार के आसपास मिल जाएगी, जो आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर से 35 से 40 हज़ार रुपये सस्ती मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक साइकिल एक साथ में 100 से 110 केजी का वेट इजीली कैरी करके चल सकती है, तो आप अपने साथ में इस पर थोड़ा बहुत लगेज भी कैरी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक साइकिल में आपको कैरियर नहीं मिलता, लेकिन सिर्फ 1000 रुपए के आसपास में आप एक अच्छा कैरियर परचेज कर सकते हो जो हर इलेक्ट्रिक साइकिल में अटैच हो जाएगा। मैंने एक बजट कैरियर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो अगर आपका वेट 80 केजी भी है तब भी आप 20 से 30 किलो का वेट इजीली इलेक्ट्रिक साइकिल के साथ कैरी कर सकते हो। इलेक्ट्रिक स्कूटर के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक साइकिल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज सिर्फ यही है कि आप इलेक्ट्रिक स्कूटर में 2 लोगों को बिठा सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक साइकिल पर 2 लोग सवार नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपके घर में ऑलरेडी एक 2-व्हीलर है और आप सिर्फ सोलो अप डाउन के लिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटर ले रहे हो तो इलेक्ट्रिक साइकिल लेना आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ऑल्सो इलेक्ट्रिक साइकिल का एक बड़ा फायदा यह है कि ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। आप हमेशा चाहो या ना चाहो लेकिन जब भी आप इसे राइड करोगे तो आपके शरीर से कुछ कैलोरीज जरूर बर्न होंगी, जो आफ्टरऑल आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मेंटेनेंस की बात करें अगर दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक साइकिल और इलेक्ट्रिक स्कूटर दोनों का मेंटेनेंस कुछ खास नहीं है, लेकिन 3 साल बाद आपको दोनों में नई बैटरी इंस्टॉल करवानी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक साइकिल में न्यू बैटरी के लिए आपको सिर्फ 5 से 6 हज़ार रुपये खर्च आएगा, जबकि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर में बैटरी का खर्च आपको 20 हज़ार रुपये से ज़्यादा होगा, जिसमें आप शायद एक न्यू इलेक्ट्रिक साइकिल भी ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक साइकिल का अपने अपना एडवांटेज मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब बढ़ते हैं हमारी टॉप रेटेड साइकिल की लिस्ट की तरफ। तो नंबर 3 पर है हीरो इलेक्ट्रो C5E 27.5। इसकी प्राइस दोस्तों 26 हज़ार से 27 हज़ार के बीच में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। इसमें आपको फ्रेम साइज मिलती है 18 इंच, फ्रेम मटेरियल मिलता है एल्यूमिनियम जो कि काफ़ी लाइट वेट है, इसलिए इसका ऑल ओवर वेट सिर्फ 20 केजी है। मोटर की अगर बात करें तो आपको 36 वोल्ट और 250 वोल्ट की BLDC हब मोटर मिलती है। अगर हम बात करें बैटरी की तो 5.8 AH कैपेसिटी की लिथियम आयन बैटरी हमें इसमें देखने को मिल जाती है। मोटर और बैटरी में आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। इसे दोस्तों आप 2 मोड पर चला सकते हैं। पहला ये है कि आप इसे ओनली थ्रॉटल मोड पर चलाएं, जिसमें आपको बिल्कुल भी पेडल मारने की जरूरत नहीं पड़ती है, सारी पावर जो है वो मोटर लगाती है। इस मोड पर आपको साइकिल की टॉप स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर मिल जाती है। हालांकि इससे भी तेज चल सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार इस सेगमेंट की टॉप स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं की जा सकती। तो आपको इस लिस्ट की सभी बाईसाइकिल्स की टॉप स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर ही मिलने वाली है। हालांकि इससे थोड़ी ज़्यादा स्पीड पर भी ये चल जाती है। फुल थ्रॉटल मोड पर चलाने पर 35 किलोमीटर की रेंज देती है सिंगल चार्ज में। इसमें दूसरा मोड आपको मिलता है असिस्ट मोड, जहां पर आप पैडल लगाकर साइकिल को चलाते हैं, लेकिन इसके पैडल में एक सेंसर लगा है, तो जब भी आप पैडल स्टार्ट करते हैं तो मोटर से आपको एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा, आपको पैडल्स बहुत ही लाइट फील होंगे और एक अच्छा पुश मिलेगा मोटर की तरफ से। इसमें आपको असिस्ट मोड में भी एक से ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, जहां पर आप मोटर से अलग अलग रेशियो में पावर ले सकते हैं व्हाइल पैडलिंग। अगर हम बात करें असिस्ट मोड में साइकिल की रेंज की, तो इसमें आपको थ्रॉटल मोड से 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा रेंज मिल जाती है, मतलब 40-45 किलोमीटर आप इसे चला पाएंगे असिस्ट मोड पर सिंगल चार्ज में। इसकी बैटरी को फुल चार्ज होने में 3 घंटे लगते हैं। इसमें आपको फ्रंट में रिजिड फोर्क मिलता है और टायर की साइज मिलती है 27.5 इंच। इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे डुअल डिस्क ब्रेक और ऑल्सो दोनों ब्रेक में ऑटो कट का सेंसर है, यानी आप जब भी ब्रेक लगाएंगे तो मोटर बैटरी से ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी और ब्रेक रिलीज करने पर वापस मोटर को बैटरी से पावर मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे लिस्ट की अगली साइकिल की तरफ। नंबर 2 पर है 91 की तरफ से एनिग्मा 700C। इसकी प्राइस दोस्तों आपको देखने को मिल जाती है 25,000 रुपीज़
इसकी फ्रेम साइज आपको मिलेगी 18 इंच और हाइट एंजल कार्बन स्टील से बना फ्रेम है, इसलिए इसका ऑल ओवर वेट 22.3 केजी यानी 22,300 ग्राम है। इसमें भी आपको 36 वोल्ट और 250 वोल्ट की BLDC मोटर मिलती है जो 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। इसमें आपको 36 वोल्ट और 6.3 AH कैपेसिटी की लिथियम आयन बैटरी मिलती है जो पैनासोनिक ब्रांड की है। अगर हम बात करें साइकिल की रेंज की तो फुल थ्रॉटल मोड पर आपको साइकिल की रेंज 22 से 25 किलोमीटर मिलती है, जबकि पैडल असिस्ट मोड पर आपको 35 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है सिंगल चार्ज में, और इसमें भी आपको टॉप स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर ही मिलती है। इसे एक बार फुल चार्ज होने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। इसमें आपको 27.5 इंच की टायर साइज मिलती है और फ्रंट में आपको रिजिड फोर्क मिलता है। इस बाइसिकल की लाइफ टाइम फ्रेम वारंटी मिलती है और मोटर और बैटरी की वारंटी 2 साल की मिलती है। इसमें आपको डबल डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, साथ ही ब्रेक के टाइम पर ऑटो कट का फीचर भी मिल जाता है और ओवरऑल साइकिल का लुक भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की नंबर 1 साइकिल की तरफ, जो कि है गीके #electric2060। इस साइकिल की प्राइस आपको मिलती है 28,000 से 29,000 रुपीज। इसमें आपको 17 इंच का फ्रेम मिलता है और हाइट एंजल कार्बन स्टील का बना हुआ है ये फ्रेम, इसलिए इसका ऑल ओवर वेट है 26 केजी। इसमें आपको 36 वोल्ट और 250 वोल्ट की BLDC मोटर मिलती है जो 45 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। अगर हम बात करें बैटरी की तो इसमें आपको 36 वोल्ट और 7.5 AH कैपेसिटी की लिथियम आयन बैटरी मिलती है जो डिटैचेबल है और इन तीनों साइकिल में सबसे बड़ी बैटरी भी है। इस बैटरी और मोटर की आपको 1 साल की वारंटी मिलती है और लाइफ टाइम फ्रेम वारंटी मिलती है। टायर साइज में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, इसमें पहला 26 इंच और दूसरा 27.5 इंच है। इन दोनों टायर साइज के वेरिएंट्स में आपको सिर्फ 300 रुपए का ही फर्क देखने को मिलेगा, तो आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग सही वेरिएंट ले सकते हैं। इस बाइसाइकिल में भी आपको डबल डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं विद ऑटो कट, और इन तीनों साइकिल्स में से सिर्फ यही साइकिल है जिसमें आपको फ्रंट में सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। अगर आपकी हाइट 5 से 6 फीट है तो आप इस साइकिल के लिए एक आइडल राइडर हो। बात करें अगर रेंज की तो थ्रॉटल मोड पर यह साइकिल सिंगल चार्ज में 30 से 35 किलोमीटर चली जाती है, जबकि असिस्ट मोड पर 40 किलोमीटर की रेंज देती है। इसमें भी आपको टॉप स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर मिलती है। इस बाइसिकल का ऑल ओवर लुक भी काफी अच्छा है। तो बस गाइस ये थे इस बाइसिकल के स्पेक्स। इन तीनों बाइसिकल्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर करना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।